नमस्कार, बीजीटी न्यूज हिंदी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी। आज 12 जनवरी का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस का दिन है। आज ही के दिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उसी के तहत खेलो मध्य प्रदेश अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रन फॉर यूथ का आयोजन परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय में किया गया है। आइए नजर डालते हैं बीजीटी की इस विशेष रिपोर्ट पर। कहते हैं कि संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर बढ़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। परसवाड़ा राम मंदिर प्रांगण में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित 21 मीटर लंबी यंग इंडिया रन मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयुष मंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया और उनके साथ मैराथन में दौड़ भी लगाई। जिला स्तरीय मैराथन में जिले भर से करीब 1000 धावकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें कार्यक्रम के अंत में मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने रनर ट्रॉफी और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर परसवाड़ा से बघोली और बघोली से परसवाड़ा तक मैराथन का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित यंग इंडिया रन रन फॉर यूथ को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। अपने धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और शरीर के प्रति हम सबको जागरूक होना चाहिए। ऐसे में यदि आप नशा करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश दे रहे हैं। इसीलिए इस मैराथन के माध्यम से मेरा युवाओं को यह संदेश है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नशे को त्याग कर सशक्त और ताकतवर बने। हाफ मैराथन दौड़ के जिले के कोने कोने से आई युवा तरुणाई का हम यहाँ पर कि ये देश हमारा ऋषियों का देश रहा है। हम अपने धर्म, अपने अध्यात्म, अपने संस्कृति और अपने शरीर के प्रति हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। यदि आप नशा करते हो तो अपने शरीर को गलाने का काम करो। यदि आप नशा करते हो तो आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश दे रहे हो। मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, ऐसे देश को आगे बढ़ाने के लिए आपकी ज़रूरत है। आप सशक्त और ताकतवर बनिए और जहाँ पर अगर किसी प्रकार के इस प्रकार के संगत या दोस्ती में इस प्रकार के साथियों के साथ मिलकर अगर आपकी कहीं इसमें लत लगी होगी तो आज ही से युवा दिवस के अवसर पर आप एक संकल्प लीजिए और इस राष्ट्र निर्माण के लिए आप काम करने में अपना सहयोग प्रदान करिए। मैं एक बार पुनः उन सभी युवाओं को आज युवा दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं और नशा मुक्त हम सब लोग बने, ये भाव के साथ में हम सब लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए। भाजयुमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे ने मैराथन के इस सफल आयोजन पर कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान को लेकर आए हैं। इसी के तहत 12 जनवरी से 31 जनवरी तक जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र और 23 मंडलों में अलग अलग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हमने परसवाड़ा में मैराथन से की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में आज से 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर खेलेगा मध्य प्रदेश ऐसा अभियान लेकर आया है। 12 जनवरी से लेकर 31 तारीख तक हम जिले के सभी 6 विधानसभाओं में 23 मंडलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज हमने यहाँ परसवाड़ा में हाफ मैराथन करके की है। हम ये मैराथन दौड़ बालाघाट में भी करा सकते थे, लेकिन चूँकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का को परिकल्पित करते हुए
अंतिम छोर के लोगों को भी इसके साथ जोड़ना है। बालाघाट तक आने में इस वनांचल क्षेत्र के कई लोग सफल नहीं हो पाते थे, इसलिए इस दौड़ पे भाग नहीं ले पाते थे। हमको तो लगता था कि 400-500 से ज़्यादा बच्चे क्या आएंगे, लेकिन आज जो संख्या देखे हमने, 1000 से ज़्यादा बच्चे छात्र छात्राएं इस दौड़ पे यहाँ पर हिस्सा लिए हैं। इसी संकल्पना के साथ अंतिम छोर के आदमी तक पहुँचने की परिणति के साथ हमने इस दौड़ का यहाँ पर आज आयोजन किया था। आज से जो खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान शुरू होने वाला है, 31 तारीख तक प्रत्येक 23 मंडलों में 6 विधानसभाओं में भारतीय जनता युवा मोर्चा अलग अलग विधाओं का आयोजन, 10 प्रकार के खेल जो हमने सिलेक्ट किए हैं प्रदेश की तरफ से आए हैं, अलग अलग विधाओं के हम यहां पर कार्यक्रम करेंगे, इसी की शुरुआत आज से हमने यहां की है। मैराथन के इस कार्यक्रम के बीच जहां युवाओं ने 21 किलोमीटर तक दौड़ लगाई, तो वही आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने दौड़ के बीच सीएम राइज स्कूल परसवाड़ा पहुंचकर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं और टीचिंग स्टाफ के बीच योग की प्रमुख विधा सूर्य नमस्कार के तहत 12 मुद्राओं और प्राणायाम का अभ्यास किया। 5 6 अष्टांग नमस्कार, कमर उठी हुई, 7 गर्दन ऊपर भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 बायां पैर वापस, 10 दायां पैर भी वापस, 11 हस्तकोणासन, 12 प्राणायाम। हस्त संचालन आसन में आपने बायां पैर वापस ला लिया है। अब इसके बाद पाद हस्तासन, दाया पैर भी वापस ले आइए, हस्त उत्तान आसन और प्रणाम आसन, ये सूर्य नमस्कार की 12 आवृत्तियां हैं। दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पैर के पंजे, 7 भुजंगासन, 8 अब आप पर्वतासन में जाइए, 5वें नंबर की पोजीशन, 9 दाया पैर वापस लाइए हाथ के पास, 10 दाएं पैर भी ले आइए, 11 और पीछे की ओर 12।